नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। प्रेमिका से प्यार में बेवफाई मिली तो शख्स ने खोल दी चाय की दुकान। मामला रोहतास का है। रोहतास के नेशनल हाईवे के ताराचंडी मंदिर के पास अगर आप जाएंगे तो आपको बेवफा चाय काउंटर मिल जाएगा। बता दें कि यहां पर प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए 10 रुपए कप चाय की व्यवस्था है, तो वहीं प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपए में 2 कप चाय की व्यवस्था है। अब तक तो आप पूरा मामला समझ ही गए होंगे, लेकिन अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बेवफा चाय काउंटर के जो संचालक हैं उनका नाम है श्रीकांत। श्रीकांत ने अपनी प्रेमिका से प्यार में धोखा खाया। बात आई जब साथ निभाने की तो उनकी प्रेमिका ने उनका साथ छोड़ दिया, जिससे वे बेहद आहत हो गए और आहत होने के बाद उन्होंने खोल दी बेवफा चाय काउंटर। बता दें कि बेवफा चाय काउंटर जो है वो युवा उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं और उनके दुकान पर युवाओं की काफ़ी भीड़ लगती है। एक लड़की ने धोखा दे दी थी, हम प्यार पहले कर रहे थे उससे, 2 साल हो गया, लेकिन उसके बाद उसी नाम पर मैं दुकान चाय का खोल दिया। और मैं और लड़के से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्यार व्यार के चक्कर छोड़िए, नहीं तो ये हालत हो जाएगा। फैन चाय का आप अपनी चाय की दुकान पर चाय का रेट क्या क्या रखे हैं ये बताइए। चाय का रेट जो प्यार में धोखे खाए हैं लड़के उसके लिए 10 रुपये, जिसका अभी प्यार चल रहा है उसके लिए 15 का 2 चाय, प्रेमी जोड़ों के लिए। आप कहाँ पर ही अपना दुकान किए? मेरा दुकान माँ ताराचंडी हाईवे के पास है। आपको प्यार में धोखा कब मिला था? 2 साल पहले मिला था मुझे। तो आपने चाय बेवफा वाला नाम रखने से कैसे आपके दिमाग में आया? मुझे बहुत गुस्सा आया जब धोखा खाए तो मुझे बहुत गुस्सा आया, उसी नाम पर मैं रख बेवफा चाय दुकान। चाय खूब चलता है? बहुत चलता है, शाम को तो और जाम होता है, कपल लोग आते हैं, 24 घंटा मेरा दुकान चलता है। देसवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।